नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू। दोस्तों, कल जो है बजट पास हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जी हाँ, वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण ने बजट पास कर दिया है। और इस बजट में रेलवे को क्या कुछ मिला है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भारतीय रेलवे को केंद्रीय बजट 2023-24 में तकरीबन 2.40 लाख करोड़ मिले थे, यानी कि 2.40 लाख करोड़ रुपए 2023 और 2024 के बजट में था। और इस बार के अंतरिम बजट यानी कि 2024 और 2025 में 2.52 लाख रुपए करोड़ जो है वो मिला हुआ है, यानी कि तकरीबन पिछले बार से तकरीबन 12 लाख करोड़ जो है 12 करोड़ जो है ज़्यादा है, मतलब पिछले बार के कंपेरिजन में लगभग अप्रॉक्सीमेट है। तो इन बजट में क्या क्या मिला है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग कयास लगा रहे थे कि बुज़ुर्गों को लेकर जो टिकट है उसमें डिस्काउंट मिल सकता है, और सीनियर सिटीजन हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया है। इसके अलावा ट्रेनों के जिस तरीके से हालात है, खास करके स्लीपर क्लास वेटिंग टिकट को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही है उसको लेकर भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। वेटिंग टिकट का क्या सीन होगा, पैसेंजर कैसे सेफ तरीके से ट्रेवल कर पाएंगे, यानी कि सीट के साथ कैसे ट्रेवल कर पाएंगे, इस पर कोई भी बात नहीं हुई। रेलवे बजट में क्या कुछ हुआ है, अब हम आपको जो है इस बारे में बताते हैं। तो इस बार के जो बजट है उसमें रेलवे को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पिछले दिनों रेलवे के कई बड़े रेल दुर्घटना हो रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल जून में आपको पता होगा ओडिशा में हुआ था रेल हादसा, पिछले महीने बंगाल और फिर बिहार सीमा पर हुआ रेल हादसा, और हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई रेल दुर्घटना से रेलवे का फोकस इन्हें कम करने और ढांचागत मजबूती पर है। यानी कि जिस तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस तरीके की घटनाएँ ना घटे, इस पर जो है ढांचागत मजबूती बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा जो वंदे भारत हैं, अमृत भारत बुलेट ट्रेन है, उस पर भी सरकार जो है वो काम कर रही है। यात्रियों की वेटिंग से टिकट जो है उसे निजात दिलाने और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि वेटिंग को लेकर पर्टिकुलरली कोई भी अपडेट नहीं आया है। वहीं बात करें तो केंद्रीय बजट 2024-25 में नई रेल लाइन को, मानी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, यानी कि नई रेल बिछेगी तो नई ट्रेनें चलेगी, नई ट्रेनें चलेगी तो भैया उसमें जो सीट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए तकरीबन 34,603 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की योजना है, और पिछले आम बजट में यह 34,410 करोड़ थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं दोहरे रेल लाइन बिछाने के लिए भी बजट राशि को कम किया गया है, दोहरी लाइन के लिए कम कर दिया गया है। 2024-25 के बजट में इसके लिए अनुमानित 29,312 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इसके लिए 2024 बजट में 35,000। तो जो दोहरी लाइन बिजती थी ना उसके जो पैसे हैं वो कम कर दिए गए हैं, ठीक है। विद्युतीकरण भी परियोजना, जो विद्युतीकरण खास करके बजट में रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए अनुमानित 6,472 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई गई है। यह राशि 2023-24 के बजट 8,361 करोड़ रुपये थी। तो वहीं रेलवे के यात्रियों के सुझाव के लिए 2024-25 में 15,511 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना है, पिछले बजट में यह राशि 9,000। यानी कि रेलवे यात्री को सुविधा कैसे दिया जाए उसके लिए राशि जो है बढ़ाई गई है, तकरीबन 7 करोड़ राशि जो है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा सिग्नल, दूरसंचारी संबंधी कार्य और रेल पथ नवीकरण के लिए भी बजट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो है और भी तमाम चीज़ें, जैसे कि सरकार की प्राथमिकता जो है ट्रेन की सिक्योरिटीज़ को लेकर है। इसके अलावा अलग कोच जो है बने ताकि लोगों को यात्रियों को टिकट मिल जाए, सिग्नलिंग और हाई स्पीड ट्रेनें की भी बातें जो है इसमें सामने आई है। इसके अलावा कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का दायरा बढ़ाने में तेजी लाने की तैयारी है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल व्यू कहूँ तो पर्टिकुलर पैसेंजर्स को, जो लोग वेटिंग में टिकट लेकर जाते थे उनके लिए कुछ भी फायदा नहीं है। पैसेंजर्स जैसे ट्रेवल करते थे, जो नियम है रेलवे का उस नियम के तहत ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ये है कि रेलवे का जो लाइनें हैं वो ज़्यादा बिछेगी, कुछ कुछ बोगियाँ बढ़ेगी जिससे थोड़ा ज़्यादा पैसेंजर यात्रा करेंगे। लेकिन अब ये 2024-25 का बजट है, ये बजट कब इम्प्लीमेंट होगा, कब लागू होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको ये सारी चीज़ें ही झेलनी पड़ेगी। तो ये बजट का केस है पूरा इस मामले का, बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।